चलिए टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 28 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए थे, तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर ऐसे तीन चार क्वेश्चन हम करेंगे और आपको ये टाइप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि चार पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में, तीन महिलाएं उसी कार्य को 16 दिन में, जबकि 12 लड़के इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। तीन पुरुष, चार महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखो, हमको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि हमको शेष कार्य पता होना चाहिए, शेष कार्य पता होना चाहिए और उनको कौन कौन कर रहा है, बस इतनी चीज पता होनी चाहिए। तो जो कर रहा है उनकी अलग अलग क्षमता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, कई सारे क्वेश्चन अभी आपके सामने आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे कह रहा है चार पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो आप ऐसे मान लिया करो या बना लिया करो कि एक पुरुष जो है ना, वो इन दोनों का क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो, 32 दिन में काम को करेगा। तीन महिलाएं उसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, तो 16 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 48। मतलब एक महिला उस काम को 48 दिन में करेगी। 12 लड़के 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का जो है 12 8 96, 96 इसका इतने दिनों में एक लड़का करेगा। अब देखो, पहले जैसा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बन गया। अब 32 48 और 96 का एलसीएम आपका 96 होगा। 32 और 96 कैसे आएगा, भाग करने पर 96 में भाग करोगे 32 का तो 3 बार में जाएगा, 48 का 2 बार में और 96 का 1 बार में। अब देखो, यहाँ पे आपको कुल काम भी पता चल गया है, साथ में सबकी अलग अलग क्षमता भी पता चल गई है। अब कहते हैं कि तीन पुरुष, चार महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। तो हमको पहले 3 दिन का मतलब है कि 3 दिन किसने किसने काम किया, तीन पुरुष ने काम किया। तो एक पुरुष की क्षमता 3 है, तो तीन पुरुष की क्षमता कितनी होगी, 3 * 9। फिर उन्होंने कहा है कि चार महिलाओं ने काम किया, एक महिला की क्षमता 2 है, तो चार महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8, जोड़ दो इसमें। फिर उन्होंने कहा है 5 लड़कों ने काम किया, एक लड़के की क्षमता 1 है, तो 5 लड़के की क्षमता 5 होगी, जोड़ दो। इतना काम 3 दिन हुआ होगा, तो इतना काम जब 3 दिन हुआ होगा, इसको ध्यान से देखो कि 9 8 17 और 17 5 22, 22 3 66, 66 काम क्या हुआ होगा, हो गया। अब 96 में 66 काम हो गया, तो मेरा बचा कितना, 30 काम बचा। एक हमने क्या है, एक किला तो फतह कर लिया, हमको शेष काम का सिस्टम पता चल गया। अब इन्होंने सिस्टम क्या बैठाया है, कहते हैं इतना काम करने के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। कहने का मतलब है जो पुरुष काम कर रहे थे, अब पुरुष काम नहीं करेंगे, 2 लड़के और शामिल हो गए। मतलब महिलाएं जो कर रही थी, महिलाएं तो 4 ही करेंगी, जो महिलाएं थी वो 4, जो महिलाएं काम कर रही थी ये शेष काम महिलाएं तो 4 ही करेंगी। तो महिलाओं की क्षमता कितनी है, 2, तो 4 की क्षमता 8 हो जाएगी, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा कहते हैं कि 2 लड़के और शामिल हो गए, तो 5 लड़के पहले कर रहे थे, 5 लड़के क्या कर रहे थे, पहले कर रहे थे, 2 और, मतलब 7 लड़के हो गए, और उनकी क्षमता कितनी है, 1 है, 1 लड़के की 1 है, तो 7 की 7 * 7, तो 4 * 2 = 8 और 7 * 7 = 7, 7 * 7 = 14 = 15, कुल मिला के 15 की क्षमता से ये 30 शेष काम करना होगा। तो इसको कट करोगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो, इस तरीके का पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत धीमे धीमे बताया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है और स्पीड से आप खुद ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखना, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा। कहते हैं 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो हम ऐसे ही जान गए कि भाई एक पुरुष की क्षमता 16 * 5 = 80 हो जाएगी। 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में, तो एक महिला की क्षमता 12 * 8 = 96 हो जाएगी। जबकि 20 लड़कों ने उसे 6 दिन में किया, तो एक लड़के काम कितने, एक लड़के के लिए कितना हो जाएगा, 20 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120।
अब इनका एलसीएम कई बार हम लोग कर चुके हैं, 480 आएगा, ये 8 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में। कहते हैं 5 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ काम शुरू किया। तो 5 पुरुष ने काम शुरू किया, परंतु 3 दिनों के बाद क्या किया, पुरुषों ने और महिलाओं ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे पुरुष भी काम छोड़ देंगे और महिलाएं भी काम क्या करेंगी, छोड़ देंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 दिन का काम निकाल लेना है। तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 6 है, तो 5 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। एक महिला की क्षमता कितनी है, 5, तो 6 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। एक लड़के की क्षमता 4 है, तो 10 लड़कों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। सबको आप जोड़ेंगे और इनको इस क्षमता से 3 दिन काम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 100 * 300, 300 काम आपका हो गया। टोटल काम था 480, तो बचा कितना काम, 180 काम बच रहा है, ठीक है, 180 काम बच रहा है। अब पुरुषों ने काम छोड़ दिया, महिलाओं ने भी काम छोड़ दिया। कहते हैं कि तो ज्ञात करें कि इस 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी। हमें ये तो पता चल गया कि ये शेष काम हमें किससे कराना है, लड़कों से कराना है, और उसने समय भी दे दिया कि इतने दिन में ही कराना है। तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इंटू समय, ये होता है। यहां से आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो यहां पे देखो लड़के अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक्स लड़के काम करेंगे, कि काम में भाई एक्स लड़के लगे, और एक लड़के की क्षमता 4 है, तो यहां पे 4x हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। और मल्टीप्लाई समय आपको 3/4 दे दिया है, और शेष कार्य कराना है तो 180 दे दिया है, तो यहां पे 4-4 कट जाएगा। तो यहां पे जब 4-4 आपका कट गया, तो ये आपका आ गया 3x = 180। तो x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब 60 जो लड़के हैं वो कार्य को 3/4 दिन में खत्म कर देंगे। कितने कार्य को, शेष कार्य को, जो 180 था। बस यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बात को समझ गए, चलिए हो सकता है एक क्वेश्चन आपका और हो, तो उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से चीज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। कहते हैं एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब इन्होंने आपको एक की क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो भाई एक पुरुष जो है और एक महिला और एक लड़का, सबका दिया है दिन 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन। 12 दिन टोटल होगा, तो 3 * 4 = 12, 12 * 1 = 12। एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़के सहायता करें कि कार्य 1/4 दिन में हो जाए। तो कार्य कितना है आपका, कार्य तो आपका 12 है, 12 काम है। क्षमता अगर हम यहाँ पे देखें और आपका समय देखें, ठीक है, ये सब मन में आपको करना है, मैं बता रहा हूं इसलिए। समय तो 1/4 इन्होंने दे रखा है। अब क्षमता के लिए ध्यान देना, क्षमता के लिए कहते हैं एक पुरुष लगता है काम में, तो एक पुरुष की क्षमता 4 होगी, तो 4, और एक महिला, एक महिला की क्षमता 3 होगी, तो +3। और कहता है कितने लड़के सहायता करें, तो हमको नहीं पता कितने लड़के सहायता करें, हम मान लेते हैं एक्स लड़के सहायता कर रहे हैं, और एक लड़के की क्षमता 1 है, तो x * 1 x ही रहेगा। तो यहां से इतना आया बराबर आपका 12 हो गया। तो यहां पे आप देखो कितना आएगा, 7 + x, और इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 48 आ जाएगा। तो यहां से x बराबर इस 7 को इसमें घटाओगे तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। मतलब एक पुरुष और एक महिला की अगर 41 लड़के मदद करेंगे, तो जो आपका पूरा 12 काम है ये 1/4 दिनों में खत्म हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो बहुत इजी होते हैं, आपने कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन, बस इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा। कहता है ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को
छह सही 2/3 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे करते हुए 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो नए तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, उसके बाद और कई सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही। देखो, अगर प्रतिदिन कोई 9 घंटे काम करता है और इतने दिन काम कर रहा, तो यहां पे घंटे भी दे रखा है और यहां भी दिन भी दे रखा है। तो सबसे अच्छी चीज है कि हम क्या करते हैं, घंटे में ही सब कुछ चेंज कर लेते हैं। जो आंसर निकालेंगे घंटे में निकाल लेंगे और बाद में उसको दिन बना देंगे। आसान है घंटे से दिन बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो, अगर हम देखते हैं कि ए जो है प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है और इतने दिन काम करता है, तो 36 18 2 20, 20/3 दिन, और प्रतिदिन 9 घंटे काम करेगा तो 3 3 9 20 3 60, टोटल वो 60 घंटे काम करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 15 और 8 का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बी जो है 120 घंटे काम करेगा, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दुना आपका 44 1 45, तो 2 से ये 4 कटेगा, ऊपर 2 आएगा, 45 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 90 आ जाएगा। तो 90 घंटे सी काम करेगा। अब देखो, सब कुछ अभी धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आप इसका एलसीएम 360 लोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या पूछा है आपसे, कहता है कि यदि तीनों मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। देखो, टोटल आपका 360 का काम है, सब मिलके कर रहे हैं, तो 6 3 9 4 13, ये क्या आया, ये आया आवर्स, इतने घंटे में काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस आवर को हम दिन में बदलेंगे। देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, होते कि नहीं होते। तो अगर हमको कभी भी घंटों को दिन में चेंज करना होता है तो हम 24 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, लेकिन उस दिन में हम टोटल 24 घंटे काम के लेते हैं। इसने यहां पे कहा है केवल 9 घंटे काम करता है, तो जहां हम 24 से भाग करते हैं, हमको यहां 24 से भाग ना करके हमको यहां भाग करना होता है जितना वो एक दिन में जितने घंटे बोले। तो 360/13, और हम 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग का मतलब है 1/9 से गुणा करेंगे, तो 9 चौक 36, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40/13 का मतलब क्या हुआ, 13 3 39 और ऊपर 1, तो इस तरीके से इतने डेज में आएगा। अभी तक तो ये घंटे में निकला था, फिर उसको मैंने दिन में बदला, हमको तो 24 से भाग करना होता है, लेकिन उसने यहां पे कंडीशन लगा दी है कि 9 घंटे कार्य करें, तो बस हम 9 से भाग करेंगे। तो पूरा पूरा इस क्वेश्चन को कैसे आपने समझा, कि सबसे पहले आप घंटे में चीजों को बदल करके जैसे आप करते थे बस वैसे ही कर देना, जितना घंटे एक दिन में काम करने को बोले बस उससे भाग कर देना, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपका होगा तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिएगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे, तो अब तो बहुत आसान है, हमको 5 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 5 70 2 72, तो ये 72 हो जाएगा। बी उसी काम को 6 घंटे करते हुए 15 दिन में, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। और सी उसी काम को 7 घंटे कार्य करते हुए, तो 7 7 तो आपका कट ही जाएगा, और आपका यहाँ पे जब 7 7 आपका कट गया तो आप आसानी से क्या करोगे, 17 और 7 का मल्टीप्लाई करके उसमें आप 1 कैसे करोगे, जोड़ लोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 17 7 119, और 1 उसमें जोड़ोगे तो 120, तो 120 आ जाएगा आपका सी का। फिर आप एलसीएम यहाँ पे 360 ले लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 बार में ये जाता है, 4 बार में ये, और 3 बार में ये। फिर उसने क्या कहा है, भाई 6 घंटे वो प्रतिदिन काम करा रहा है, तो आप क्या करोगे, 360 को सबकी क्षमता से जोड़ोगे, 5 4 9 9 3 12, और मल्टीप्लाई 6 कर दोगे, क्योंकि हमको 6 से भाग करना है तो नीचे 6 से गुणा कर देंगे। अब सीधे सीधे आपको पता है 12 3 36 3, और 5 6 5 30 5, तो
तो 5 डेज आ जाएगा। ये वाला तो चीज घंटे में निकली थी, लेकिन जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो वो दिन में चीज निकल के आ गई। ठीक है, बात को समझ गए? तो 5 डेज इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है। ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को इतने दिन में करता है। तो 7 7 तो कट जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 11 7 77 3 80, कुल मिला के ए का 80 घंटे का काम हो गया। बी उसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए, तो 5 5 कट जाएगा, 19 5 95 1 96, तो बी का 96 घंटे काम हो जाएगा। सी 9 घंटे में, तो 3 से आपको 9 को कट करोगे 3 आएगा, 13 3 39 1 40, और 40 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपको मिल जाएगा। तो सी का ये आ गया। 480 ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे हमेशा 5 आता है, यहाँ पे आपका 4 आता है। तो आपको पता है कि 480 बटे 15 हो जाएगा सबको जोड़ के। ये अभी घंटे में है, आपको दिन में चेंज करना है। तो एक दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है, तो नीचे आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 8 6 48 60 और 15 6 60, तो 4 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आपको समझना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से देखना, इसमें आपको समीकरण वाली चीजें आ जाएंगी, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान से देखना। एक पुरुष 3 महिलाएं 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो दो दो वाला तो आप पहले ही देख चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहता है तो 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे, सिंपल सा है। तो आपको पता है कि आपको कुल कार्य चाहिए, कुल कार्य चाहिए साथ में 5 पुरुष और प्लस का 12 लड़के। तो हमको यहाँ पे पुरुष की, एक पुरुष की क्षमता चाहिए, एक लड़के की क्षमता चाहिए, और कुल कार्य चाहिए, भाग करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को लाने के लिए हम पूरा कंडीशन यहाँ पे जो भी दी गई है फॉलो करेंगे। देखो, एक मैन 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन और 4 बॉयज किसी काम को 96 घंटे में करती हैं। इसके अलावा 2 मैन और 8 लड़के काम को 80 घंटे में करते हैं। इसके अलावा 2 मैन 3 वुमेन साथ में 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 दिन में घंटे में करते हैं। तो यहां भी आपका 480 होगा, यहां पे आपका 5 आएगा, यहां पे 6 आएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। बात को समझ गए? अच्छा, हमको क्या चाहिए, मैन की क्षमता चाहिए, एक सिंगल मैन की और एक सिंगल बॉय की। तो कैसे निकालेंगे, छोटे क्लासेस में आपने समीकरणों को हल करना बहुत अच्छे से देखा होगा। देखो, यहां पे मैन है और यहां पे बॉय है, और हमको मैन और बॉय, यहां पे भी देखो मैन है और यहां पे भी बॉय है। अगर हमको मैन और बॉय की पता चल जाए तो यहां से वोमेन निकाल सकते हैं। तो इस वाले समीकरण को ध्यान से देखना, हम इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 1 मैन और 4 बॉय की क्षमता ऐसे बच जाएगी। इतनी बात समझे? और इनकी क्षमता टोटल कितनी है, 6 है। तो इस 2 से इसको हम कट करेंगे तो यहां पे 2 3 6 आएगा। तो मैन प्लस 4B मतलब 1 मैन और 4 महिलाओं की क्षमता बराबर 3। तो इस वाले समीकरण में देखो हमको साफ साफ दिख रहा है 1 मैन और 4 बॉय, जो हमको यहां पे पता चल गया। इनकी जगह हम 3 रख सकते हैं, तो यहां पे 3W+3=5 है। तो यहां से 3W बराबर आ जाएगा, 3 घट जाएगा इसमें 2, तो W बराबर आपका आ जाएगा 2/3। अब W की वैल्यू पता चल गई क्षमता, लेकिन हमको W से काम ही नहीं है, तो इस W को हम इस वाले में रखेंगे, इससे हमको मैन पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर इस वाले में हम क्या करेंगे, इस वाले में हम W की जगह वैल्यू रख देंगे, तो 2m+3 W की जगह रखेंगे 2/3 और इनका टोटल मिला के कितना है, 4 है। तो
तो तीन तीन कट जाएगा, इस दो को इधर घटाएंगे तो दो ही आएगा, तो यहां पे m है, दो इसमें भाग कर देंगे तो ये एक आ जाएगा। बात को समझे? अब देखो यहां पे मैन हमको चाहिए था, मैन की हमको पता चल गई एक, तो इसमें हम पांच इंटू एक कर सकते हैं। अब हमको बॉय की भी चाहिए। अब देखो मैन की अगर हमको एक पता चल गई तो हम कहीं भी रख दे बॉय की पता करने के लिए, इसी वाले में रख दे मैन की एक, तो बॉय की कितनी हो जाएगी, इस एक को यहां पे घटाओगे दो आएगा, चार बॉय हैं तो बी बटे बी बराबर आ जाएगा दो बटे चार, मतलब एक बटे दो, तो बॉय की क्षमता में एक बटे दो पता चल गई। तो बस यहां पे हम बॉय की जगह क्या रखेंगे, एक बटा छह रख देंगे, तो छह दुनी बारह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पांच एकम पांच और प्लस दो सात आ गया। सात काम करेंगे, सात की क्षमता से ये कुल काम हमको कराना है, 480 इस तरीके से दिया गया है। अब इसको भाग कर देंगे तो आपको पता है, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है। और क्या गड़बड़ हो गया ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ ये हो गया है कि ये तो चलो मैन तो आपका सही आया है एक, लेकिन यहाँ पे लड़कों उन्होंने 12 लड़के लिए थे, मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक बटे छह मैंने लिख लिया है, जबकि एक बटे छह नहीं एक बटे दो होगा, तो यहाँ पे छह आएगा इसलिए यहाँ पे 11 बनेगा आपका, ठीक है ना। तो 11 से 480 को भाग करोगे तो 11 चौको 44, फिर आपका 4 बजेगा 40, 11 तीन 33 और ये आपका 7/11 डेज, तो ये आपका 43 सही 7/11 आ जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा गिचपिच हो गया है, लेकिन आप चीजों को आसानी से समझ गए होंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन हो। अब देखिए दोस्तों ये क्षमता वाले क्वेश्चन आ गए आपके, अब आपके जो क्वेश्चन करने हैं आपको 36 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आपको क्षमता वाले क्वेश्चन करने हैं। क्षमता का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि कार्य बराबर आपका जो होता है क्षमता इंटू समय होता है। बाय चांस हमको इसमें समय नहीं दिया जाएगा, क्षमता दी जाएगी, तो जिसकी क्षमता जी जाए उसी के समय से मल्टीप्लाई करने पर हमको कुल कार्य पता चल जाएगा। देखो कहता है ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है, एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उस कार्य के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करें। तो देखो हमको यहां पे कुल कार्य पता चल जाए उसका 4/9 करके हम बी प्लस सी की क्षमता से भाग कर देंगे। बी प्लस सी की क्षमता हमको पहले ही से पता है, 5 और 3 मतलब 8 से हमें भाग करना है। बस हमारा मेन काम क्या है, हमको ये कुल कार्य चाहिए, और कुल कार्य कैसे पता चलता है हमको, क्षमता से और समय से मल्टीप्लाई करने पर। तो जिसकी क्षमता दी जाए, जिसका समय दिया जाए उसी की क्षमता से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पे देखो समय किसका दिया गया है, 27 दिन, वे तीनों उसे 27 दिन में करते हैं। कहने का मतलब है वो तीनों उसे 27 दिन में करते हैं, तो तीनों का समय कितना दिया गया है 27, तो तीनों की क्षमता कितनी है 5, 2, 7, 3, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस 270 आपका कुल कार्य पता चल गया। तो यहां पे आप 270 रख देना, बस हो गया आपका सवाल। 9 + 27 तो 4 × 3 = 12, 120/8, 8 × 8 8 = 45, तो आपका 15 डेज आ गया। हो गया कि नहीं, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं उनको करिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको, ये देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। फिर देखो ए बी सी की क्षमता आपको दे दी है, एक साथ कार्य करने पर वे उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो देखो 25 और इन तीनों की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 7 = 4, 3 × 7 = 5 = 12 से मल्टीप्लाई, ये आपका कुल कार्य हो गया। इसका 35% 35/100, और आपको भाग किससे करना है, भाग आपको करना है ए और सी दोनों मिलकर, तो ए और सी की क्षमता से भाग करना है। ए आपका 4 है, सी 3 है, मतलब हमको 7 से क्या करना है, भाग करना है। तो 25 × 100, 4 × 3 = 12, तो 3 × 35/7, 5, 7 × 35, 5 × 3 = 15, तो कितना आया 15 डेज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। देखो है ना आसान क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 भी ऐसा ही होगा, तो और आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ध्यान देना। कहता है ए बी सी की क्षमता का अनुपात आपको दे रखा है, एक साथ कार्य करने पर वे
35 दिनों में काम करते, तो कुल काम हमारा कितना हुआ, 35 इंटू 7.12416, ये हमारा कुल काम निकल के आ गया। कहते हैं ए और बी मिलकर उस काम को 28 दिनों में करते हैं। अब देखो 16 कुल कार्य यहां से निकाल लो, 16 × 5 = 80 का जीरो, 8 × 0 = 8, 16 × 3 = 48, 48 × 2 आपका होता है 50, 6 = 56, 560 टोटल काम हो गया। कहते हैं ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं और शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त। देखो से हमको क्या चाहिए, शेष काम चाहिए, शेष काम और सी की क्षमता। सी की क्षमता हमको ऑलरेडी पता है 4, बस हमको फोकस करना है शेष काम पे। तो कुल काम हमारा हमको पता है, ए और बी ने मिलकर कार्य को 28 दिन करते हैं, तो ए बी 28 दिन काम कर रहे हैं, तो हमको 28 दिन का काम निकालने के लिए ए और बी की क्षमता से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपकी 7 + 5 = 12 है। तो ये आपका शेष काम निकल आया, अभी नहीं, ये काम आपका वो हो गया जो ए और बी ने किया। तो 12 × 96 = 6 हासिल पर 2, 12 × 24 = 6 = 30 और 3 = 33, 336 काम इन्होंने कर डाला। तो 560 से 336 हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जो आपका 224 आ जाएगा। तो यही शेष काम हमको पता चल गया, हमको चाहिए भी बस यही था। तो 224 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 5 = 20 बचेगा 2, 4 × 6 = 24, 56 दिनों में शेष काम सी कर डालेगा। बस हो गया ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बदल के आपका आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहां भी सेम टू सेम कुछ वैसा ही क्षमता वाला सवाल है, आसानी से आप इसको कर लोगे। कहते हैं ए बी और सी की क्षमता का अनुपात आपको दिया है 5:3:8, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 20 दिनों तक करते हैं, तो शेष कार्य, तो बस वही है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, शेष बटे सी की क्षमता, हमको मेन काम ये है। तो शेष हमको तब निकलेगा जब हम कुल कार्य में ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य घटाएंगे। तो कुल कार्य हमारा पता है 30 में, हमको इन तीनों की क्षमता का मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा। तो 5 × 3 = 8 = 16 से, तो 16 × 3 = 48, 480 टोटल काम है। 20 दिन काम किया ए बी ने, तो 20 इंटू ए और बी की क्षमता है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, तो 480 से आप 160 आप घटा लोगे, तो 0, 8 से 6 2 और यहां पे 4 से 1 3, 320 काम कितना है, शेष है। इस 320 काम को हमें सी से कराना है, तो सी की क्षमता है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 दिन आपका आंसर आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बात को समझ गए, चलिए बढ़िया है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। अब देखो यहां पे कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम को 16 दिन में करते हैं। देखो ए बी सी काम को मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, अगर इनकी सबकी क्षमता हमें पता हो मल्टीप्लाई करके कुल कार्य निकाल लेंगे, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर, हमको क्या चाहिए, हमको कुल काम चाहिए, कुल काम चाहिए और हमें बी की क्षमता चाहिए। अब हमको बी की क्षमता पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, वो डायरेक्ट दे देता था, यहां पे थोड़ी सी उसने घुमा फिरा के आपके साथ खेलने की कोशिश करी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की जो भी कार्य क्षमता है बी से क्या है, दोगुनी है, और बी की कार्य क्षमता क्या है, सी से दोगुनी है। तो हम सी को अगर 1 मान लें तो इसकी दोगुनी है बी की, तो इसकी 2 मान लेते हैं, और इसकी इससे दोगुनी है तो इसकी हम 4 मान लेते हैं। बस हमको तो क्षमताओं का रेशियो पता चल गया। अब हमारा ए बी सी एक साथ मिलकर 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो 16 × 4 = 2 = 6 = 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा कुल काम निकल आया। बस इसी कुल काम में हमको बी की क्षमता 2 से क्या करना था, भाग करना था, तो 2 × 8 = 8, तो 56 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बात को समझ गए ना, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए दो क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको और करने हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से, अब फिर देखो भाई ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से दोगुनी। अगर हमको बी की कार्य क्षमता पता चल जाए तो ए की दोगुनी करके निकाल सकते हैं, और सी से 3 गुनी है। अब इस ए की सी से भी 3 गुनी है,
यदि ए बी सी, अब पहले इसको हम देखो इस ए की कार्य क्षमता सी से कितनी है, सी से तीन गुनी है और इससे क्या है, इससे दो गुनी है। तो बाई चांस इससे अगर देखो, अगर हम सोचते हैं इसको एक माने तो इसकी तीन गुनी मानते हैं। अब ये तीन जो है 1. इसका दो गुना 1.5 का होगा, लेकिन पॉइंट में हमें क्या मतलब, तो हम इसकी ऐसे ना मानना, इसकी मानना आप दो। इसकी जब दो मानोगे तो ए की कार्य क्षमता सी से तीन गुनी है, तो दो का तीन गुना 6 हो जाएगा और बी से दो गुनी है, तो यहां पे आप आराम से तीन लिख सकते हो कि भाई तीन का दो गुना 6 हो, तो बस पता चल गया क्षमता हमें पता चल गई 6 × 3 = 9 × 2 = 11। 11 में 15 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा क्योंकि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये कुल कार्य निकल के आ गया। अब इस कुल कार्य को हमें क्या करना है, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बी और सी की क्षमता से भाग करना है। बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है, तो 3 और 2 मिला के 5 से भाग करना है। 5 × 15 = 11 × 33, तो आपका 33 डेज आ जाएगा, है ना, इन सिंपल सा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन आपके हो गए, यूपीटेट एस्टेट सुपर एस्टेट सीटेट सबके लिए इतना पर्याप्त है। अभी DSSSB के लिए लगभग 40-50 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो चलिए तीसरा पार्ट देखो, पुरुष की कार्य क्षमता महिला से, अब देखो यहाँ पे उसने ए बी सी ना लिख करके पुरुष महिला कर दिया, तो ये आपका पुरुष आपका नहीं मतलब सवाल का, और ये आपकी महिला, तो ये तो सुन के आप खुशी हो गए होंगे लड़के, और ये आपका लड़का। लो भाई देखो, पुरुष की कार्य क्षमता महिला से दोगुनी, इससे दोगुनी है, और लड़के से 3, वही वाला सिस्टम बनना है। इसकी अगर 2 मानते हो तो इससे 3 × 6, इसकी 3 मानो तो इससे 2 गुना हो गया, बस। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 × 3 = 9 = 11, 11 टोटल इनकी क्षमता है। अब देखो कहते हैं यदि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको एक पुरुष की क्षमता लेनी है तो वो 6 ही हो जाएगी। 2 महिलाओं की क्षमता लेंगे तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लेंगे, और 3 लड़कों की क्षमता लेंगे तो यहाँ भी 6 लेंगे। अब ये 6 + 6 = 18 हो गया, अब 18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब कुल काम निकलेगा। तो एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो एक लड़के की क्षमता है 2 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, 2 × 9 = 18। अब आपका क्वेश्चन कुछ क्या हुआ है, गलत हो गया है। गलत ये हो गया है, देखो क्या गलत हो गया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने कुल काम में 11 से मल्टीप्लाई क्यों करा दिया, वो गलती हो गई। देखो अब इनकी क्षमता ये हो गई, जब एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के, तो क्षमता 18 हो गई, और ये काम कितने दिन कर रहे, 3 दिन, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये कुल काम बनेगा। फिर एक बॉय मतलब 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, तो 27 डेज इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 42 क्वेश्चन पार्ट 3 में कंप्लीट हो गए, और इसकी PDF विद आंसर की मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो वहां भी आपको बता दिया है। 29 से लेकर के 42 तक पार्ट 3 में कराए, यहाँ देखो लिखा है इन सभी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखे अपने यूट्यूब चैनल प्रसून की पाठशाला पर, और यहाँ पे मैं PDF में ऐसे लिंक लगाऊंगा, ऐसे उसको आप टच करिएगा, डायरेक्ट आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, और इतनी सुविधा कौन देगा, तो आराम से आप वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ में आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल पर भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा टारगेट है दोस्तों कंप्लीट मैथ, ठीक है, कंप्लीट मैथ हमें करनी है, और हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप UPTET में बैठे, CTET में बैठे, आप CGL में बैठे, CHSL में बैठे, MTS में बैठे, DSSSB में बैठे, KVS में बैठे, कहीं भी बैठे, आपकी मैथ्स पूरी मैं कराने वाला हूं, मैंने मन बना लिया है, पूरी मैथ्स आपको कराऊंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से, वो भी इसी तरीके से विद आंसर की के साथ PDF भी दूंगा, आप कभी भी अपना सोल्यूशन देख सकते हैं। इससे डेली आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे। टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वर्क के 42 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, और पूरी आपको एडवांस भी कराऊंगा, एडवांस मैथ भी कराऊंगा, मतलब मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ, और साथ में ये तो आपकी अर्थमेटिक होगी ही होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।